पाकिस्तान हर फ्रंट से षड्यंत्र रच रहा है। खुलासा ये हुआ है कि जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार एक मौलवी कश्मीर जांबाज फोर्स के लिए काम करता था और आईएसआई को भारतीय सेना के मूवमेंट की जानकारी भेजता था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा में दम तोड़ चुके आतंकवादी को फिर जिंदा करने के लिए पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बड़ी साजिश रची थी। इसके लिए कश्मीर जांबाज फोर्स आतंकी संगठन का काम करने वाले एक मौलवी को जिम्मा सौंपा था। मौलवी अब्दुल वाहिद सेना के मूवमेंट का वीडियो पाकिस्तान को भेजता था और मदरसों में बच्चों को पढ़ाने के नाम पर भड़काता था। यहाँ हमारे जामे मस्जिद के जो इमाम थे मौलवी अब्दुल वाहिद साहब, जिनको पुलिस ने उठाए हैं, बाद में पता चला कि वो गलत किस्म की एक्टिविटीज में मुब्तला हैं, तो हमें उस बारे में कोई इलम नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मौलवी अब्दुल वाहिद भारतीय सेना की इंस्टॉलेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस की इंस्टॉलेशन और सुरक्षा बलों की इंस्टॉलेशन जो कि किश्तवाड़ में थी, उनकी हर एक मूवमेंट की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलरों तक पहुंचाता था। चिनाब में खत्म हुई आतंकी वारदातों को एक बार फिर रिवाइव करने के लिए और युवाओं को एक बार फिर आतंकवाद की तरह प्रभावित करने के लिए काम भी दिया था।